साथियों, दिल्ली के ये चुनाव इस दशक का पहला चुनाव है। ये दशक भारत का दशक होने वाला है और भारत की प्रगति उसके आज लिए गए फैसलों पर निर्भर करेगी। आज एक तरफ इन फैसलों को लेने वाला पक्ष है और दूसरी तरफ फैसलों के खिलाफ खड़ा विपक्ष है। आज देश की राजधानी को इस दशक का, 2030 तक का दिल्ली का रास्ता दिखाना है। ये काम आप सभी मेरे दिल्ली के मतदाता भाइयों बहनों 8 फरवरी को करना है। दिल्ली और देश के हित में इस बार एकजुट एक स्वर में पूरी ताकत के साथ हमें खड़ा होना है। भाइयों और बहनों, दिल्ली को दोष देने वाली नहीं, दिशा देने वाली सरकार चाहिए। दिल्ली को रोड़े अटकाने वाली और नफरत फैलाने वाली राजनीति से मुक्ति चाहिए। दिल्ली को उलझाने वाली नहीं, सुलझाने वाली राजनीति चाहिए। दिल्ली को विकास की योजनाएं रोकने वाला नहीं, सबका साथ सबका विकास पर विश्वास करने वाला नेतृत्व चाहिए। मेरे दिल्ली के प्यारे भाइयों बहनों, आप सोचिए, जो गरीब का हित चाहेगा, जिसके दिल में गरीब के लिए दर्द होगा, क्या वो गरीब को सरकार की योजनाओं से वंचित करेगा? क्या कभी करेगा? क्या सोच भी सकता है कोई? कितना ही राजनीतिक विरोध हो, लेकिन गरीबों की भलाई में कोई रोड़े अटकाएगा क्या? लेकिन दिल्ली में तो 5 साल से मैं देख रहा हूं, हर दिन गरीबों की भलाई के हर काम में रोड़े अटकाना यही चल रहा है। केंद्र सरकार की कितनी ही योजनाओं को लागू करने से पहले यहां मना कर दिया गया है। अब 11 फरवरी के बाद आपको शेम शेम नहीं बोलना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दिल्ली के गरीबों का क्या गुनाह है जो उन्हें 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिलता? आयुष्मान भारत योजना में एक विशेषता है, इतने में आपको समझ आएगा कितना लाभ है। मुद्दा 5 लाख का नहीं है। अगर दिल्ली का कोई नागरिक
जो इस योजना का लाभार्थी है वो किसी काम से ग्वालियर गया, भोपाल गया, सूरत गया, नागपुर गया, हैदराबाद गया, चेन्नई गया और अचानक वहां बीमार हो गया, तो मोहल्ला क्लिनिक वहां जाएगा क्या? लेकिन ये आयुष्मान भारत योजना अगर ये दिल्ली में लागू होती और दिल्ली का कोई लाभार्थी वहां अपने काम से गया होता और वहां उसको गंभीर से गंभीर मानो हार्ट अटैक भी आया होता तो वहां की अस्पताल में भी उस योजना के तहत मुफ्त में उपचार हो जाता। हम नहीं चाहते कोई बीमार हो, लेकिन मान लो एकांत की भी जिंदगी बच जाती तो मन को कितना संतोष होता भाइयों। लेकिन यहां एक बेदर्द एक ऐसी सरकार बैठी है जिसे आपकी परवाह नहीं है, आपकी जिंदगी की परवाह नहीं। दिल्ली के बेघर लोगों का क्या अपराध है जो उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना घर नहीं मिलता? आप मुझे बताइए भाइयों, आजादी के 70 साल के बाद गरीब से गरीब को भी रहने के लिए घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पक्का घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उसका अपना घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पक्की छत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मुझे बताइए, ऐसा कोई दल हो सकता है क्या, ऐसा कोई नेता हो सकता है क्या कि जो इस योजना में भी रोड़े अटका दे? कितनी विकृत मानसिकता होगी। पल पल दिमाग के हर कोने में कैसी गंदी राजनीति भरी पड़ी होगी जो गरीबों के प्रति इतना नकारात्मक विचार रखती है। दिल्ली के किसानों का क्या कसूर है जो उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उन्हें नहीं मिलता? उनके बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर नहीं होते। दिल्ली के डेली कम्यूटर उनका क्या कसूर है जो मेट्रो के चौथे चरण के विस्तार को 2 साल तक मंजूरी नहीं दी गई? आज दिल्ली के लोग देख रहे हैं कि कैसे दिल्ली में सिर्फ स्वार्थ की, नफरत की राजनीति की गई है। क्या दिल्ली के लोगों ने जब 2015 में अपना वोट दिया था तो क्या किसी दिल्लीवासी ने ऐसी उम्मीद की थी क्या? जरा जोर से दूर दूर तक के लोग जवाब दीजिए, किसी ने भी ऐसी उम्मीद की थी क्या?